हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। दोस्तों, आज मैं आपको पाइथन डीजेंगो पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो ये प्रोजेक्ट भी क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सर्वर को मैं ऑलरेडी यहाँ पे रन कर चुका हूँ, तो मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में ये जो आईपी एड्रेस है और जो पोर्ट नंबर है वो मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो दो इसमें सेक्शन है, कस्टमर सेक्शन है और एक एडमिन सेक्शन है। तो पहले मैं आपको कस्टमर सेक्शन डिस्प्ले करता हूँ। ये हमारा मेन पेज रहेगा और इसमें हमने ऊपर ये कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, होम एंड कॉन्टेक्टस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ये सर्च देख रहे हैं, सर्च का ऑप्शन। नीचे हमने ये कैरोजल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने बूटस्ट्रैप का भी यूज़ किया है और यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे मेंस, वुमेन्स क्लोथ्स, किड्स एंड एक और सेक्शन यहाँ पे शूज़ को भी मैंने रख लिया है। ठीक है, अगर मेंस पे क्लिक करते हैं तो जो भी मेंस प्रोडक्ट एडमिन ने ऐड किए होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप वुमेन्स प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो वुमेन्स पे क्लिक करेंगे तो ये वुमेन्स प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली फॉर किड्स एंड शूज़। और आप साथ ही साथ यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ किड, किड लिख के मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे ये जो भी किड्स के प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं एडमिन ने, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर किसी को इसको परचेज़ करना होगा तो वो एड टू कार्ट पे क्लिक करेगा और देन आफ्टर वो क्वांटिटी भी यहाँ से डिसाइड कर सकता है कितना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, चेकआउट पे जाके उसको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको ये परचेज़ करना है तो वो अपना यहाँ पे एड्रेस एंड अदर डिटेल्स यहाँ पे फिल करेगा। जैसे मैं यहाँ से कुछ अशोक मैंने एक नाम दे दिया, अपना डिटेल में यहाँ फिल कर देता हूँ। कस्टमर अपना डिटेल यहाँ फिल करेगा, अशोक ईमेल आईडी दे दिया। ठीक है, एड्रेस दे दिया। ओके, सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। चेकआउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। ठीक है, एडमिन अकाउंट में जाके मैं आपको इसको शो भी करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट अस पेज है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो ये डेटा जो है एडमिन के पास जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एडमिन सेक्शन शो करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, शॉप। ठीक है, जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो इसको लॉगिन भी मैंने दिया हुआ है एडमिन का। मैं आपको लॉगिन दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से एडमिन लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डेटाबेस है शॉप नाम का। ऑर्डर्स में आप जाएंगे तो आप देखिए अभी हमने अशोक नाम के पर्सन ने जो ऑर्डर किया था तो वो डिटेल आपको यहाँ पे एडमिन को शो हो जाएगी। वो चाहे तो इसमें कुछ मॉडिफाई करके सेव कर सकता है या इसको डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह कॉन्टेक्ट्स वाला टेबल है, कोई भी अगर कॉन्टेक्ट करता है, जो कॉन्टेक्ट का फॉर्म मैंने आपको शो किया था तो वो फिल करके जो सबमिट करेगा तो वो डेटा एडमिन को यहाँ पे शो होगा। बट अभी इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि किसी ने कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल नहीं किया है। उसके बाद प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है, इसमें आपको ये बहुत सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, किसी को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये किड 3 लिखा हुआ है, इसको मुझे डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर कोई नया प्रोडक्ट मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, किड 3 को मैंने डिलीट कर दिया तो आप देख रहे हैं किड 3 अब यहाँ पे नहीं है। अगर मैं दोबारा से इसको ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने दे दिया किट 3।
या किड फोर, जो भी आप देना चाहते हैं। मैं सब सपोज़ प्रोडक्ट का नाम दे दिया किड फोर, कुछ कैटेगरी दे दी मैंने यहाँ पे किड, और सब कैटेगरी पे ही मैंने किड दे दिया। प्राइस दे दिया 500, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया किड्स वेयर, ठीक है। डेट आज की ले सकते हैं या कैलेंडर से आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। चूज़ फाइल में जाके आप कोई इमेज सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कोई इमेज यहाँ से ले ली, ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। देन आफ्टर क्वांटिटी, जो भी आप क्वांटिटी यहाँ से देना चाहते हैं, टोटल, ठीक है। सेव पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट जो है ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुली एडेड, और ये यहाँ पे आ चुका है। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे प्राइस मुझे 500 से 600 करना है, तो 600 करके मैंने सेव किया, तो ये यहाँ पे एडिट इसमें हो चुका है। आप देखेंगे ये एडिट हो चुका है, ठीक है। तो एडमिन चाहे तो अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। लॉग आउट करते हैं और वापस मैं जाता हूँ कस्टमर सेक्शन में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था वो आपको किट्स वाले सेक्शन में शो होगा, ठीक है। जैसे मैं सर्च करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया किड फोर नाम से उसको ऐड किया था, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। ये इसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ऐड टू कार्ट करना है तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। चेकआउट पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये प्राइस वगैरह उसका सब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया है हमने जेंगो का यूज़ करते हुए। अभी मैं इसमें और वर्क कर रहा हूँ, इसको और ज़्यादा बेटर मैं बना दूँगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके का और कोई प्रोजेक्ट आप बनवाना चाहते हैं या आप बनाना सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।